हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर टीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर आप लोगों को इस तरीके से लगता है कि आज का इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके इधर उधर से लाया जाएगा, तो वैसा कुछ भी आज के इस वीडियो में नहीं होने वाला है। जी दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन इसकी ऐसी कोई भी खास एडिटिंग नहीं होने वाली जिसको देखने में हमें बहुत सारा मज़ा आए। इस तरीके का वीडियो नहीं होने वाला है और नॉर्मली हम हमारी चैनल के ऊपर इस तरीके के वीडियोस बनाते भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। हम भी हमारी चैनल के ऊपर साइंस रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं, लेकिन हम जनरली एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, तो इसीलिए हम इस तरीके का वीडियो बनाते नहीं है, लेकिन आज हम पहली बार इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, यकीन मानो आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। जी हाँ दोस्तों, इसको रिसर्च करके साबित किया जाता है। और दोस्तों आज के समय में कि इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भरी पड़ी है और इस तरीके के जो धर्म के ठेकेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब दिशा की बात आती है तो उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय शक्ति के कारण अगर आप उत्तर की ओर सिर करके सोएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो आपके दिमाग पर दबाव पड़ता है। हम इसे अनुभव से जानते हैं, मगर इस बारे में स्टडी करके भी ये पाया गया है कि दिमाग की ओर खून का एक कुदरती प्रवाह होता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को थंबनेल बताई, काफी सारी ऐसी वीडियो है इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि इस तरीके से सिर करके सोते हैं तो साइंस के मुताबिक हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंज होता है, वगैरह वगैरह कुछ भी होता है, कुल मिलाकर हमें नुकसान होता है। और ये लोग ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ साइंटिफिक है। जी दोस्तों, अगर मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो दोस्तों एक जो सुडो साइंस का एक टॉपिक है, नॉर्थ के साइड की ओर हमें सर करके नहीं सोना चाहिए, और इसके ऊपर आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और वो लोग जो धर्म के गुरु होते हैं वो किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो ऐसा बताते हैं कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जाता है कि पृथ्वी के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसके मुताबिक हमें नॉर्थ पोल के साइड अपना सर करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और उसका एक्सप्लेनेशन ये लोग ये देते हैं कि इसकी मदद से क्या होता है, अगर हम नॉर्थ की ओर सर करके सोते हैं तो हमारे तो खून में आयरन की मात्रा थोड़ी बहुत होती है, और आयरन जो होता है वो आप लोगों को पता है वो मैग्नेट के साथ बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, जो नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की ओर जाती है, और इसकी मदद से वो लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो आयरन का जो तत्व होता है वो इसकी मदद से हमारे दिमाग की ओर ज़्यादा शिफ्ट होता है, और इसकी वजह से हमें कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं अगर हम अपना सर उत्तर दिशा की ओर रख कर सोते हैं तो। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को जो बताया उसको कहते हैं एक शब्द होता है सुडो साइंस। जी हाँ दोस्तों, सुडो साइंस आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुडो साइंस एग्जैक्टली होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस तरीके का, अभी तो हमने एक टॉपिक लिया है, लेकिन इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम कहते हैं सुडो साइंस। अगर इस तरीके की कोई बचकाना बातें हैं जो अंधविश्वास फैलाती है, सुपरस्टिशन वाली बातें हैं, और उसको अगर इसमें थोड़ा बहुत साइंस का तड़का ऐड करके इसको हमें साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है, और हमें ऐसा लगता है, ह्यूमन माइंड को ऐसा लगता है कि ये वाकई में प्योर साइंस है, लेकिन दोस्तों ये कोई साइंस होता नहीं है। और जो बोलने वाले लोग हैं वो भी इस तरीके से कहते हैं कि ये साइंस कहता है कि अगर नॉर्थ की साइड सर करके सोते हैं तो उसमें साइंस कहता है कि ये नुकसान होता है। प्रत्येक मनुष्य को पूर्व दिशा में अथवा दक्षिण दिशा में अपना सर करके सोना चाहिए, पश्चिम में और उत्तर में सर करके कभी नहीं सोना चाहिए, या तो पूर्व में सर हो या दक्षिण में। पूर्व की तरफ सर करके सोने से पूर्व दिशा में, बस लोग कहेंगे क्या मिलेगा इसमें, तो सुनो, पूर्व दिशा में सिर करके सोने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, आपका दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। जितने लोग उत्तर दिशा में सिर रखकर सो रहे हैं तो दर्शन में और वेदों में और शास्त्रों में तो बताया है धार्मिक के हिसाब से उत्तर में सिर करके मत सो। अरे साइंस है, जैसे ही आप उत्तर में सिर करके सोओगे, उत्तर में सिर करके सोते ही ऑलरेडी नॉर्थ पोल खींच रहा है, हर साल हिमालय 1.29 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, चीजें खींच रहा है नॉर्थ पोल खींच रहा है। तो ये हार्ट जो यू खड़ा है तब तो अपना काम गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से कर रहा है कि यहां से नीचे सप्लाई देना है, इधर कम देना है, लेकिन जैसे बॉडी यू से यू हुई अब हार्ट को क्या पता किधर है गुरुत्वाकर्षण, नहीं पता ना, इसलिए नॉर्थ में भेजेगा अगर नॉर्थ में सिर है, और नॉर्थ में जितना ज्यादा ब्लड जाएगा इसलिए कम उम्र में पैरालिसिस आ रहे हैं, इसलिए अटैक आ रहे हैं, इसलिए ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, इसलिए स्ट्रोक्स आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, साइंस वाकई में इसका रिलेटेड असली साइंस क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। अगर इस तरीके से नॉर्थ में सर रखकर सोने से कुछ भी फायदे या फिर नुकसान होते
तो इसके पीछे साइंस की प्रॉपर उसका रिसर्च होता है, उसका कैलकुलेशन होता है और सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो हर कोई इसके इसको जान सकता है, हर कोई इसको पढ़ सकता है और उसमें खुद से रिसर्च भी कर सकता है। इसको कहते हैं रियल साइंस। लेकिन दोस्तों ये जो बताने वाले लोग हैं वो सिर्फ साइंस का नाम लेके आप लोगों को बता देते हैं और आप लोगों को लगता है कि ये वाकई में साइंस है और इसकी मदद से हमें लगता है कि जी हाँ, हमें इस तरीके से सर करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को जो लोग बताते हैं कि साइंस की माने तो इस तरीके से इसमें होता है, तो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने कई सारी इंटरनेट के ऊपर वीडियो देखी, उसमें मैंने ये सुना कि अगर हम नॉर्थ की साइड में सर करके सोते हैं तो हमारा खून का बहाव है, बहाव जो होता है वो हमारे ब्रेन की ओर ज़्यादा शिफ्ट होता है और इसकी मदद से अगर हम हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता और वो सब बातें होती है, तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ वो लोग क्या कहते हैं। अगर थोड़ा सा डीप में जाए तो हमारे खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर काफ़ी सारी मात्रा होती है आयरन की, लेकिन दोस्तों वहाँ पर मटेरियल आयरन नहीं होता है, इसको कंपाउंड आयरन बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आयरन जो मटेरियल आयरन होता है वो मैग्नेट के साथ अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों कंपाउंड आयरन बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता है। इस तरीके से आयरन का टुकड़ा काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से ये कंपाउंड होते हैं वो काम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप कोई भी एक आयरन का टुकड़ा लो और उसके साथ मैग्नेट को चिपकाओ तो ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा और उसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप आयरन का जो टुकड़ा बहुत टाइम तक पड़ा रहता है और उसमें जो जंग लग जाती है उस जंग को अगर मैग्नेट के साथ चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वह जंग बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये जो जंग होती है उसको कहते हैं आयरन का कंपाउंड। ये दोस्तों इसमें आयरन भी होता ही है, आयरन की जो जंग होती है उसमें आयरन होता ही है, लेकिन फिर भी वो जंग होती है वो मैग्नेट के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकती। उसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन पाया जाता है उसको आयरन का कंपाउंड बोलते हैं, ये प्योर मटेरियल आयरन बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि इस तरीके से कोई भी बातें जो ये लोग बताते हैं कि इसमें साइंस है वो है ये सब कुछ भी गलत है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। और इसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि ये साइंस और सूडो साइंस में कितना ज़्यादा फर्क होता है। और दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को अवेयर करते हुए इस तरीके का वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरीके की सूडो साइंस वाली बातें आगे भी और देखनी है तो इस तरीके की चीज़ें अभी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी भरी पड़ी है और कई सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से छोटा सा साइंस का तड़का लगा कर दे दिया जाता है तो हमें लगता है ये बातें बहुत ज़्यादा सही है और ये बिल्कुल हार्ड कोर साइंस है। लेकिन दोस्तों साइंस इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करती है, साइंस होती है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, इसको हर कोई देख सकते हैं और इसके पीछे काफ़ी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है और इसका जो सारा डेटा होता है वो पब्लिकली बिल्कुल अवेलेबल होता है। लेकिन दोस्तों ये लोग सिर्फ इतना कह देते हैं उस देश ने इसको इसके ऊपर रिसर्च कर दिया है और इसकी मदद से साइंस है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। नाम देने से कुछ भी नहीं होता है, साइंस होता तो ये इन्फॉर्मेशन सभी पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। इस तरीके से चीज़ें काम करती है और इस तरीके से हमें अगर इस तरीके से सर रख के सोते हैं तो हमें नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया है और इस तरीके की कोई भी स्टडी अभी अवेलेबल साइंस के किताब में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो सब लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल भी फेक इन्फॉर्मेशन होती है। और इसकी मदद से मैं आप लोगों को अब इसके साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। इसकी मदद से आप लोगों को क्या लगता है, ये जो सामने तो स्टेज पर बड़ा आदमी बैठा है उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ कर आया है और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, ये सब कुछ गलत होता है। इसकी मदद से क्या होता है, अगर आप लोगों को लगेगा कि हमारा जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, लेकिन दोस्तों इससे धर्म क्या होता है, इससे धर्म की कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ती है, ना कि धर्म स्ट्रांग होता है। इस तरीके की बातों को फैलाने से धर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से लाइफ में अपनी लाइफ के अंदर ट्रूथ सीकर बनना चाहिए। जी दोस्तों कोई भी चीज़ आप लोग अगर सामने से सुनते हैं तो आपको वहीं प्रश्न करना चाहिए, लेकिन कोई होता है जो प्रश्न नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को खुद से चीज़ों को समझने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने आज ये यूजुअली हम इस तरीके के वीडियो बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आज ये वीडियो बनाया है। और अगर आप लोगों को इस तरीके के वीडियो पसंद आए हैं और जानने को भी मिला है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर से कर देना। अभी इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि क्या वाकई में सही है और क्या गलत है। तो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है और सभी के साथ शेयर कर देना है। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।